दोस्तों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ये है मेरा ड्रैगन फ्रूट का फार्म जो उपस्थित है बिहार के पूर्णिया ज़िले में। और यहाँ पे मैं 250 पोल या पिलर से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ अपने ड्रैगन फ्रूट के फार्म की, जिसमें कि कुल 1000 पौधे आएंगे, सैपलिंग्स आएंगे। अगर बात करें वैरायटी की तो वो रेड रेड वैरायटी होने वाली है, जिसमें जिसके अंदर का पल्प भी रेड होता है और ऊपर के छिलके जो है वो भी रेड होती हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक तक इसमें जो है प्लांट वो सैपलिंग जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाएंगे। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा एक नेक्स्ट वीक की कि उसमें पौधे लगाते वक्त किन किन चीज़ों की हमें ध्यान रखनी चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि उस पर किसी तरह का फंगस, वायरस, इन चीज़ों का अटैक ना हो और पौधे एक अपना अच्छा ग्रोथ पकड़ सकें। और अपार्ट फ्रॉम दैट, चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि कुछ टेक्निकल चीज़ों की जानकारी लेते हैं जो कि ड्रैगन फ्रूट लगाने में बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला कि ड्रैगन फ्रूट में पोल का साइज क्या होना चाहिए, और दो रो के बीच में की दूरी कितनी होनी चाहिए और दो पोल के बीच की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए, जिससे कि प्लांट के ग्रोथ में और जो इसमें जब इसमें इंटरक्रॉपिंग करें कुछ सब्जियों की या फिर इसमें कोई स्प्रे करें, दवाई चलाएं, तो उसमें आसानी हो। तो शुरू करते हैं जो है पोल कुल लंबाई जो है, ये पोल जो आप देख रहे हैं इसकी कुल लंबाई 7 फीट है, जिसको कि मैंने 2 फीट ज़मीन के नीचे रखा है, और ये 5 फीट इसकी कुल लंबाई है, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड माना जाता है ड्रैगन फ्रूट में 5 फीट ही रखें, जिससे कि आपको फल तोड़ने में, स्प्रे करने में किसी तरह की दवाई की और उसकी मैनेजमेंट में आपको काफ़ी आसानी होने वाली है, ये अगर इतना साइज आप रखते हैं। और अब बात करते हैं दो पोल के बीच की दूरी जो है, पोल से पोल के बीच की दूरी, जैसे आप ये देख रहे हैं पोल से पोल के बीच की दूरी कम से कम 8 फीट होनी चाहिए, और रो से रो के बीच की दूरी, ये जो आप रो देख रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी आपकी कम से कम 10 फीट होनी चाहिए, जो कि जिससे कि अच्छा माना जाता है और अच्छा रहता है। और अब स्ट्रक्चर देखें कि मैंने यहाँ पे एक बेडनुमा स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें कि बीच में नाली की व्यवस्था की गई है, और ये जो है इसको एक ऊंचा रखा गया है, जिससे कि अब इसके फ़ायदे क्या हैं। एक्चुअली क्या है कि ड्रैगन फ्रूट बहुत ही ज़्यादा वाटर सेंसिटिव प्लांट है, जिसको पानी अगर जल जमाव हो जाता है तो उसको मतलब कि फंगस लगने का उसमें डर रहता है, जिससे कि पौधे सूख सकते हैं। इसलिए एक बेडनुमा स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है और नीचे और एक नाली की व्यवस्था की है हर रो के बीच में, जैसे कि आप देख सकते हैं इस रो के, ये जो रो है इसके बगल में एक नाली है, फिर अगर ये एक देखेंगे एक बेड, तो इसके बगल में एक नाली है, जिससे कि इसको ऐसा क्यों किया गया, बरसात में ज़्यादा बरसात होती है, अगर इस मेड़ के ऊपर पानी आ जाती है तो हम लोग को आसानी होगी, मैं यहाँ से एक रास्ता बना दूंगा तो पानी नीचे डाउन है तो वो पानी उसमें चली जाएगी, जिससे कि वहाँ पे वाटर लॉजिंग नहीं होगी और पौधे को किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है, जैसे कि पौधे सेफ रहेंगे, इससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी मैनेज करने में, और आपका प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा, किसी तरह का कोई उसमें फंगस वायरस का अटैक नहीं होगा। दूसरा बात और ये कि इस बेड की हाइट कितनी रखनी चाहिए, एक तकरीबन आप अगर ज़्यादा बरसाती वाले एरिया में रहते हैं तो तकरीबन इस बेड की हाइट 1 फीट रखें, मीन्स मेरा कहने का मतलब कि ये नाली से 1 फीट तक आप मिट्टी की खुदाई कर लें और इसके ऊपर डाल दें, जिससे कि क्या होगा कि एक फीट इससे डाउन स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जिससे कि पानी निकालने में काफ़ी आसानी होगा। और इस बेड की चौड़ाई की अगर बात करें तो बेड तकरीबन 4 फीट से 6 फीट तक चौड़ा आप रख सकते हैं, जिससे कि पौधे लगाने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी, ये मेरा सबसे पहला वीडियो था ड्रैगन फ्रूट फार्म से रिलेटेड। होपफुली नेक्स्ट वीक तक इसमें जब सैपलिंग्स ट्रांसप्लांट हो जाएंगे तो मैं आपको जानकारी दूंगा कि पौधे लगाते वक्त किन किन चीज़ों की आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए और कैसे लगाना चाहिए और कितनी पर पोल कितने पौधे लगने चाहिए, ये सारी बातों की मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कुछ आपको अगर और जानकारी चाहिए इस वीडियो में ड्रैगन फ्रूट इनिशियल
सेटअप से रिलेटेड, तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, और नेक्स्ट वीक मैं अपना एक दूसरा वीडियो दूंगा जिसमें कि आप देखेंगे कि पौधों को कैसे लगाते हैं और मैनेज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।